कैसी कहानी या सत्य घटना कह सकते हैं इसको, से रूबरू कराने जा रहा हूँ आपको। शायद आप इस इलाके के होके भी अनभिज्ञ होंगे, आपको पता नहीं होगा। 42वां का नाम महाराजगंज में बड़ी फेमस है और 42वां क्षेत्र की घटना है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग 90% इधर इलाके के लोग नहीं जानते होंगे कि यहाँ क्या हुआ था। हम आपको बता रहे हैं, एक लड़का, कितना उम्र रहा होगा लगभग 22 साल, शादी नहीं हुआ था, 22 साल का एक हट्टा कड्डा तंदुरुस्त लड़का गोरखपुर में गाड़ी चलाता है, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर का काम करता है। दो लोग गोरखपुर काली मंदिर के पास से बुक करते हैं वो गाड़ी और उसको ले जाकर कुसमी जंगल में गला रेत कर हत्या कर देते हैं। फिर लाश उसी की गाड़ी में लेकर कुछ दूरी पे जाके आगे जाके फेंकने की तलाश में कहीं रोड के किनारे किसी गांव के किनारे फेंक देते हैं, कंबल उड़ा देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। गलती क्या करते हैं वो हत्यारे कि उसका मोबाइल जो है, एक लोग उसका पैसा रख लेते हैं लड़के का और एक लोग मोबाइल रख लेते हैं और गाड़ी भी लेके भाग जाते हैं। 8-9 दिन जब बीत जाता है तो उनको लगता है कि कहीं कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मली है, तो क्यों ना लग रहा है कुछ होगा नहीं और हम लोग क्यों ना अब उसका सामान इस्तेमाल करें। जैसे ही मोबाइल इस्तेमाल किया गया एक आरोपी द्वारा, फौरन पुलिस ने सर्विलांस के जरिए उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो फौरन बताया, दूसरे आरोपी का भी नाम पता तुरंत बता दिया। दोनों पकड़ के जेल में गए और कुछ दिन के बाद उनकी जमानत हुई। जमानत होने के बाद केस चला, मुकदमा चला, लेकिन अंततोगत्वा एक माँ की हार हुई। एक माँ जो है वो हार गई, एक बाप हार गया, क्योंकि फैसला आया कि नहीं, वो दोनों आरोपी बेगुनाह हैं और बाइज्जत बरी हो गए। अगर 7 साल मुकदमा चला, 7 साल मुकदमा चला, अंततोगत्वा ये हुआ कि नहीं, ये बाइज्जत बरी कर दिया गया इन लोगों को। और तो बाइज्जत बरी जब हो गए हैं आरोपी, तो आप पूछे नहीं तो हमारा लड़का जिंदा होना चाहिए। हाँ जी सर। आखिर तो आपके लड़के को किसे मारा? जमालुद्दीन। आप ना कह रहे हैं, लेकिन वो तो बाइज्जत बरी हो गए, उन्होंने गुनाह कबूला भी था। जी सर। चौरी चौरा थाने में FIR दर्ज हुई थी और गोरखपुर में पड़ता है चौरी चौरा, ये महाराजगंज जिले का छपियां गांव है, महाराजगंज से सटे जिले हुए गोरखपुर जिला है। और लड़के का फोटो है, ये देखिए, ये हट्टा कट्टा 22 साल का तंदुरुस्त लड़का, शादी अभी नहीं हुई थी, ठीक है, देख सकते हैं आप क्या बीती होगी उस समय। अच्छा, सूचना कैसे मिली आप लोगों को? सर, सूचना मिला जो है कि चौरी चौरा थाने से, जो है समदुरुआ थाने पर फोन आया। फोन आने के बाद जो है हमारे गांव के प्रधान के पास आया, उन्होंने आकर हमारे घर पे सूचना दिए। गांव के प्रधान, उन्होंने कहा कैसा कि आप जाइए चौरी चौरा थाने, आपके लड़के को चोट लगी है। उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा कि आपके लड़के, कोई नहीं बताता है, जैसे ऐसे डायरेक्ट कोई नहीं बताता है। तो आप सूचना के बाद सीधे चौरी चौरा गए? चौरी चौरा गए। अच्छा, थाने पे? तो वहाँ पे जाने के बाद वहीं लाश देखे? नहीं सर, लाश जो थी पोस्टमार्टम में चली गई थी। तो यहाँ से जाने के बाद पहली बार लाश कब देखे? जो है कि सर, जो टीवी में जो थे क्रम एसओ साहब जो थे, उसका पूरी फोटो लिए थे। तो जब हम अंदर हेरे तो उन्होंने दिखाए, देखे तो उसके बाद अचानक हम लोग गिर पड़े सर, लगे। उसके बाद जो हम लोग सही नहीं थे सर, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले गोरखपुर आए पोस्टमार्टम के। तो पोस्टमार्टम में आए थे, जब उसके बाद नंबर से निकलवाए थे, उसके बाद बॉडी देखा गया तो कल भैले जो है पोस्टमार्टम करके लाश मिली, उसके बाद मट्टी में जलती है। आपको तो पहली बार खबर मिला कि ऐसा घटना हो गया है, तो समझ सकते हैं ये चीज ऐसा है ना, जिनके ऊपर बीता है वही समझ पाते हैं। हम लोग चाह के भी दर्द को नहीं समझ सकते हैं। और माँ और बेटे का रखा, जो अपने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखती है और पाल पोस के जवान करती है, और कोई हत्यारा लुटेरा अपने स्वार्थ के लिए उसकी हत्या कर देता है। और एक जुल्म तब हुआ, दूसरा जुल्म तब हुआ उनके साथ, उनके बेटे की 2 बार हत्या हुई है। 1 बार हत्या हुई जब अपराधियों ने किया,
दोबारा हत्या कब हुई? जब 7 साल मुकदमा लड़ने के बाद आरोपी बाइज्जत बरी हो जाते। चूंकि आप समझ सकते हैं कि आप छपिया से आप हर तारीख पे जाते थे। जी सर, एक तारीख नहीं, यहाँ से हर तारीख पे जाते थे। आखिर कैसे क्या हुआ, बाइज्जत बरी कैसे होगी, जबकि अब आपने मोबाइल उन्हीं के हाथ से पकड़ा गया था, सब कुछ भी ठीक है, वो कबूल किए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन कोर्ट से सर मेरे बच्चे को जो है उन लोगों ने गला में जो है तार लपेट कर जो है कस दिए थे। कसने के बाद जो है सर मेरे बच्चे को गला जो है बिल्कुल साफ काट दिए सर। क्या कहें, दुख होता है, थोड़ी सांत्वना जरूर मिलती अगर आरोपी को सजा हुई होती, आरोपियों को तो थोड़ी तसल्ली, थोड़ी तसल्ली तो जरूर माँ बाप को मिलती कि मेरा जवान बेटा जिसने ये हाल किया वो भी बुरे हाल में है, सलाखों के पीछे उसका सजा भुगत रहा है। लेकिन एक बार और 5 साल 6 साल बाद जब फैसला आया तो एक बार और इन माँ बाप का हौसला टूट गया, टूट गया, कोई आस नहीं बची। 22 साल था शादी उदी, तो कहीं ना देखे होंगे, बात किए होंगे उसी समय। जी सर, अभी शादी का विचार नहीं था, बाहर जा रहे थे सर। अच्छा, बाहर जा रहे थे। अब जिनका गाड़ी चलाते थे उनके तरफ से नहीं कोई हेल्प हुआ कि हमारी जिनके यहाँ गाड़ी चलाते थे उनका उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया? वो कुछ हेल्प नहीं किए थे सर। उनकी गाड़ी जो थी जब पिपराइज थाने में बंद हुआ तो जो है अपनी गाड़ी जो है वहाँ से छोड़ा, बस बात खत्म। कबूल लिए कि जो है हत्या मैंने किया, तो ये हाल है। दो दो बार कह ना कि उनके बेटे की हत्या 2 बार हुई, हम कह रहे हैं 2 बार हुई। एक बार जब दोनों दरिंदों ने इनके बेटे के साथ हैवानियत की, और दोबारा जब इंसाफ की आस में 7 साल से लड़ाई लड़ने के बाद, दर्शकों को बता दें कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर ये जाते थे मुकदमा लड़ने, 6 साल 7 साल गए हैं, मुकदमा लड़े हैं, उसके बाद से आरोपी बाइज्जत बरी हो गए। सवाल ये है कि जब आरोपी बाइज्जत बरी हो गए तो फिर आपका लड़का एक तो या तो जिंदा होना चाहिए, है ना, जिंदा होना चाहिए। तो अपील मान लीजिए यहाँ से हो गया है, हाई कोर्ट वगैरह में अपील नहीं किए? नहीं सर। करना चाहेंगे सर? जो था फाइल जो था उन्होंने बोला कैसा कि हाई कोर्ट गया है सर, वकील कुछ वकील कुछ भी नहीं किया सर, वकील जो था सर बिक गया सर, वकील जो था बिक गया था सर। खैर हम कोशिश करेंगे, देखिए ये तो है कि इसके इंसाफ के लिए ठीक है, यहाँ से अगर इलाहाबाद तक जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे हम लोग, लड़ाई लड़ेंगे एक बार और, एक बार और आप हिम्मत करिए, हम साथ हैं आपके, लड़ाई लड़ेंगे ठीक, और कोशिश किए पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे कि फिर आरोपी जो है जुर्म किए हैं, अपराध किए हैं, पाप किए हैं तो सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहली बार आपको जब यहाँ आप घर पे थी तब तो पता नहीं चला होगा, यहाँ क्या आपको जानकारी मिली? वे जब प्रधान आई ना बताओ ना तब भाग गए, बताए कि मतलब चोट लग गया। हाँ। तो आप दोनों लोग थाने पे गए? सब लोग गए। तो थाने पे जाके वहाँ पता लगा कि हाँ ऐसा ऐसा आपका लड़का नहीं रहा, सुने हैं कि आप लोग वहाँ अचेत हो, कोई भी अचेत हो जाएगा, कोई भी 22 साल का जवान लड़का जीत, एक तो कहावत है और हकीकत भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है जवान बेटे का जनाजा अगर बाप के कंधे पे जाता है, वो सबसे बड़ा बोझ होता है दुनिया का। आप ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करिए कि हमारे बेटे के साथ इंसाफ करिए, बाकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और आरोपियों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग को यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक न्याय जरूर मिलेगा और आरोपी फिर से पकड़ के जेल जाएंगे, पूरी उम्मीद है, पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक, मैं आपके पूरी तरह से मैं आपके साथ हूँ। आरोपी कहाँ के थे? वो थे कुसमी जंगल के चिलगिली में करने वाले दोनों। क्या नाम था दोनों का? एक का जमालुद्दीन और दूसरे का सोविंद मौर्या। अब तो दोनों आजाद थे, बज्जत बरी हो गए हैं। तो ये थी पूरी कहानी घटनाक्रम, आप लोग नहीं जान रहे होंगे,
तो अब जान गए होंगे क्योंकि आप ही के इलाके का मामला है, अगर उस समय आप लोग थोड़ा सा भी, बहुत से लोग मतलब सक्षम होते हैं, थोड़ा सा अगर इनका हेल्प किए होते लोग तो आज भी आज आरोपी बाहर नहीं घूम रहे होते। लेकिन मेन बात है, इनका कोई साथ देने वाला नहीं था और ये भी पढ़े लिखे नहीं, तो कोर्ट कचहरी का ज़्यादा जानकारी नहीं थी और कोई साथ देने वाला नहीं था। आसपास का मैटर है, तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ा सा आप लोग जागरूक होइए और इस तरह की कहीं अगर मामला होता है तो एक दूसरे का मदद करिए, यही मानवता है और यही नैतिक धर्म है। बने रहिए और केसी टीवी के साथ, धन्यवाद।